हाय फ्रेंड्स, नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये ऊपर साइड में देख सकते हो आप रिट्रेस लाइन आ रहा है। देखिए इतना सा चौड़ा रिट्रेस लाइन आ रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और इंटेस कंपनी का ये 14 इंच का कलर टीवी है फ्रेंड्स। और आज मैं जो ये जो प्रॉब्लम है रिट्रेस लाइन का, तो इस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से इसे ठीक करते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, और मैं इसका जो प्रॉब्लम है मैं 2 मिनट में आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बैक साइड में लेके चलता हूँ और इसे आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। तो फ्रेंड्स, मैंने टीवी के बैक साइड पर आ चुका हूँ और मैं मीटर में आप वोल्टेज को मेजर करके देखूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने ब्लैक लीड जो है मीटर का, उसको मैं अर्थ कर दिया हूं, ग्राउंड में लगा दिया हूं पिक्चर 2 के। और मीटर को जो रेंज है मैंने 200 वोल्ट में रखा हूं। और अब मैं वारी वारी से इसका जो आउटपुट सेक्शन है उस पर मैं वोल्टेज मेजर करके आपको दिखाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम 110 वोल्ट वाला मेजर करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 110 वोल्ट में 110 ही है, मतलब बिल्कुल सही है ये। और चलिए मैं वर्टिकल सेक्शन में जो आते हैं 13 वोल्ट, तो ये सही वोल्ट है फ्रेंड्स। अब मैं दूसरा वोल्टेज मेजर करके देखता हूँ, तो ये रेगुलेटर वोल्टेज है, रेगुलेटर सेक्शन का, तो ये 10 वोल्ट ये ठीक है। अब मैं ऑडियो सेक्शन का वोल्टेज मेजर करके देखता हूँ, तो आप देख रहे हो लगभग 15 वोल्ट दिख रहा है, 14.8 वोल्ट, तो ये वोल्ट सही है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए वर्टिकल आईसी को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, ये वर्टिकल आईसी के पास से ही होता है, मतलब वर्टिकल आईसी खराब हो जाने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मैं वर्टिकल आईसी को मेजर करके देखता हूँ। तो वर्टिकल आईसी में 13 वोल्ट पहुँच रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर वर्टिकल आईसी में वोल्ट पहुँच रहा है, माइनस वोल्ट 14 वोल्ट भी पहुँच रहा है। मैं सारा वोल्ट आपको मेजर करके दिखाता हूँ, तो वर्टिकल आईसी में सही वोल्ट मिल रहा है फ्रेंड, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? और ये जो प्रॉब्लम होता है वर्टिकल सेक्शन से ही होता है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले मैं पावर बंद कर लेता हूँ और इसमें जो प्रॉब्लम है मैं अभी दिखाता हूँ कि कहाँ से ये प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मैं पावर बंद कर देता हूँ, तो पावर मैं बंद कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं पावर को बंद कर चुका हूँ और अब मैं अब किट को पलट देता हूँ और आपको वर्टिकल सेक्शन दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो प्रॉब्लम होता है कहाँ से हो रहा है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्टिकल आईसी लगा हुआ है, उसके जो अगल बगल में आप देख रहे हो ये कैपेसिटर सब लगा हुआ है। तो आपको कैमरा में अच्छा से दिखा नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कुछ ख़राब नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो चलो मैं पहले कैपेसिटर को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैपेसिटर सही में ख़राब है या सही है। चलिए मैं तो इसे निकाल लेता हूँ, किट से बाहर निकाल के आपको चेक कराता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कैपेसिटर को बाहर निकाल लेता हूँ और मैं निकाल चुका हूँ फ्रेंड्स, और आपको दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हो फ्रेंड्स, इस कैपेसिटर को पूरा उड़ गया है, आप देख रहे हो इसका जो स्टिकर था ये उड़ गया, और एक है 100 mFD 50 वोल्ट का कैपेसिटर है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 100 mFD 50 वोल्ट देख रहे हो फ्रेंड्स। तो इसके बदले में मैं एक नया कैपेसिटर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर मैंने ले चुका हूँ और इसका नंबर आपको अभी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने 100 mFD 50 वोल्ट की जगह मैंने 100 mFD 35 वोल्ट लिया, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वहाँ पर फटाफट लगा के आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि वो जो प्रॉब्लम हो रहा था ऊपर में जो रिट्रेस लाइन आ रहा था वो सही हो रहा है कि नहीं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं इसको लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, जो नया वाला कंडेंसर है उसको मैं यहाँ पर लगा दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसे सोल्डरिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ये सोल्डरिंग हो गया और आपको कंडेंसर भी दिखा देता हूँ नया वाला। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वो नया वाला कंडेंसर लगा दिया, जो रेड कलर का, यहाँ पर ये वाला आप देख रहे हो फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं टीवी में पावर देके आपको दिखाता हूँ कि जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सही हुआ कि नहीं।
तो फ्रेंड्स मैं पावर दे चुका हूँ इसमें, और मैं आगे साइड में लेके चलता हूँ कि जो प्रॉब्लम हो रहा था ऊपर में रिट्रेस लाइन आ रहा था, तो वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो चुका है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी हो गया इसका, इस टीवी का जो ऊपर में रिट्रेस लाइन आ रहा था वो बिल्कुल भी नहीं है और ठीक हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।